नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। आज 6 दिसंबर है। अयोध्या में विवादित ढांचे को ढाए हुए 26 साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी इसे लेकर कहीं गम है तो कहीं खुशी। कोई 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के तौर पर मनाता है तो कोई शहादत दिवस के तौर पर। आपको कार सेवकों की जुबानी 6 दिसंबर की कहानी सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए 1992 को आज के दिन हुआ क्या था। यानी 6 दिसंबर 1992, जब अयोध्या में दिन दहाड़े उन्मादी नारों के बीच बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। कार सेवकों की जिस बड़ी भीड़ ने अयोध्या में विवादित ढांचे को ध्वस्त किया, उसने मीडिया को जमकर निशाना बनाया। लेकिन दिल्ली के एक सीनियर फोटो जर्नलिस्ट प्रवीण जैन धड़ल्ले से फोटो खींचते रहे। आखिर ऐसा कैसे हुआ? उनका ये दावा भी है कि ढांचा गिराए जाने का रिहर्सल 5 दिसंबर यानी एक दिन पहले हो चुका था। इन सवालों पर प्रवीण जैन से बात की हमारी संवाददाता ईशा गुप्ता ने। कहा जाता है कि एक पॉलिटिकल रैली के वायलेंट हो जाने की वजह से बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया, लेकिन हमारे साथ आज जो शख्स मौजूद हैं, अगर उनकी माने तो बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन पहले से ही प्लान था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट प्रवीण जैन। प्रवीण जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सबसे पहले आप ये बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं, क्या हुआ था ऐसा कि आप 6 दिसंबर नहीं 5 दिसंबर को अयोध्या पहुंचे थे? क्योंकि सारा मीडिया 6 दिसंबर को पहुंचा, उससे पहले किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन आप एक दिन पहले पहुंचे वहां, क्यों? एक्चुअली मेरे को असाइन किया गया था बाबरी मस्जिद के लिए। 6 दिसंबर को तो एवरीबॉडी वाज देयर, सारा मीडिया था। तो मेन पिक्चर जो है, जो मैंने खींची थी 5 दिसंबर को है, वो रिहर्सल की पिक्चर है। रिहर्सल के अंदर इन्होंने बकायदा प्री प्लान था, जबकि ये लोग कहते हैं कि नहीं, अचानक हुआ था। तो 5 दिसंबर को मेरे को विश्व हिंदू परिषद के जो लीडर थे बीएल शर्मा प्रेम, ही वॉज अ मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट, तो ही टुक मी ऑन द साइड इन नियर द बाबरी मस्जिद, जहाँ पर मॉस्क था, वहाँ पर बकायदा रिहर्सल की गई थी। और सेम मेथड वाज यूज ऑन 6 दिसंबर, और 5 दिसंबर को उनके पास बकायदा हथियार थे, जो कि किसी भी बिल्डिंग तोड़ने में, जैसा कि आप मेरी पिक्चर में देख सकते हो, कि यूज़ किए गए थे विद जो बल्लब होती है या हथौड़े होते हैं। और एक उन्होंने टीला बनाया हुआ था, टीले के अंदर वो लोहे की ग्रिल के साथ वो चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और एक और पिक्चर के अंदर आकर आप देखें, वो एक मास्क पहने हुए एक आदमी है जो कि लीड कर रहा था, वो ही मस्ट बी द मेन चैप एंड ही वाज ए इंजीनियर, और टीले पे चढ़ने का प्रयास वो कर रहे हैं और वो लीड कर रहा है। और पिक्चर के अंदर ये सब चीज़ें देखने के बाद, वही चीज़ें वो 6 दिसंबर को जब ये बाबरी मस्जिद इन्होंने तोड़ी, तो सेम मेथड वाज यूज ऑन 6 दिसंबर। तो अब ये कहना कि ये प्लान नहीं था, तो माय पिक्चर शोज इज द प्री प्लान, नंबर वन। सेकंड, द मेन एविडेंस, जो सेम एविडेंस है अभी भी, जो बाबरी मस्जिद केस के अंदर लखनऊ स्पेशल कोर्ट के अंदर गवाही में वो पिक्चर मौजूद है, और कोर्ट भी ये मान कर चल रहा है कि हाँ, ये मेन पिक्चर्स हैं जो कि 5 दिसंबर को शो करती हैं, ये रिहर्सल हुई थी। अब अडवाणी जी, उमा भारती और जोशी जी के का जो केस है, वो कॉन्स्पिरेसी केस है, और जिसके अंदर ये पिक्चर्स जो पेश की हैं वो अहम सबूत हैं। अब देखते हैं क्या होता है, कोर्ट का क्या फैसला। सर, थोड़ा रिवाइंड करेंगे, आपने कहा विश्व हिंदू परिषद के एक लीडर थे जिन्होंने आपको बताया, कब उन्होंने आपको फोन किया था, फोन किया, ईमेल किया, क्या किया और क्या बताया था एग्जैक्टली? ये वो अयोध्या में थे, वो इस मूवमेंट को लीड करने वाले मेन, वन ऑफ द मेन आदमी थे। उनकी मेरी जान पहचान दिल्ली से थी, वो मेरे को जानते थे, वो मेरे को मिले थे 4 दिसंबर को। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको 5 दिसंबर को, वो मेरे को लेके गए, हम छाने वद होटल में ठहरे हुए थे, सभी जर्नलिस्ट थे, तो वो मेरे को लेके गए और मेरे को विश्व हिंदू परिषद का ही फोटोग्राफर मान करके पिक्चर उन्होंने मेरे से खिंचवाई। आप इकलौते फोटो जर्नलिस्ट थे? हाँ, मैं उस वक्त अकेला था
और मीडिया की एंट्री वैसे वहाँ थी, 5 तारीख बैन 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 थी। तो वो मेरे को विश्व हिंदू परिषद का ही फोटोग्राफर लेकर के गए थे। वाइल आई वॉज टेकिंग पिक्चर, तो एवरीबडी नो कि आई वॉज अ विश्व हिंदू परिषद फोटोग्राफर, एंड बकायदा मैंने अपना आइडेंटिटी कार्ड उन्होंने मेरे को दिया था VHP का, और नोबडी वॉज स्टॉपिंग मी बिकॉज आई वॉज देयर मैन। अच्छा, उन आप लोगों ने ये इम्प्रेशन दिया कि आप वहीं के, मतलब अच्छा अच्छा। व्हाइल आई वाज टेकिंग पिक्चर तो आई वाज क्रिकिंग, सब लोग पूछते थे कि आप कौन है, तो क्योंकि यहाँ तो फोटोग्राफी बैन है, तो वो क्योंकि लीडर के साथ में था, तो नोबडी स्टॉप, आप पे शक नहीं किया, शक नहीं किया, नोबडी स्टॉप मी। यानी 5 तारीख को ही आपको ये इल्म था कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाएगा, तो क्या आपने उसके बाद किसी को बताया कि इस तरह आपने देखा है? और ये भी कोर्ट ने भी मेरे से पूछा था, सेम वकीलों ने, कि आपने बताया क्यों नहीं। वहाँ पर एक जुनून था, अब मैं, मेरा कौन सुनने वाला था। मैंने अपने जर्नलिस्ट साथियों को भी बताया, मैंने अपने एडिटर को भी बताया कि रिहर्सल थी, बट नोबडी वाज यू नो, कोई बिलीव करने के लिए तैयार नहीं था। एवरीबडी वाज लाफिंग एट मी, वो कहता नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, ये तो सब बकवास है। तो वाइल अब नोबडी वाज टेकिंग मी सीरियसली दैट टाइम, वो तो सीरियस तब लिया जब ये डेमोलिशन हो गया, तब ये सब लोग बोलने लगे अरे तो सही कह रहा। ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आगे आपको दिखाएंगे 6 दिसंबर की पूरी कहानी फोटोग्राफर की जुबानी।